ने हमने जो ना वो वकालत जो की है बड़े बड़े मुश्किल हालात में की है, उस दौर में की है जब यहाँ कोई आवाज नहीं था निकालता, सियासी पार्टियां जी थी वो गूंगी बन के बैठी हुई थी। उस वक्त राणा मुदस्सर साहब की क्यादत में हमने जो है वो इस्लामाबाद ने मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप थी उसमें जो आखिरी कील था वो हमने मिल के लगाया। राणा मुदस्सर साहब भी बड़े मुजाहिद आदमी है जी, राणा मुदस्सर साहब जी लीडर बने हैं। जहाँ पे कोई जुल्म हो रहा था ना जी तो ये जालिम के सामने जो है ना सीसा पलई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं जी। बिल्कुल, इन्होंने सबसे बड़ी जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने जो मुल्क में डिक्टेटरशिप थी मुशर्रफ की उसमें सफे अव्वल में अपना जो है ना रोल प्ले किया उसको खत्म करने में। जबरदस्त। तो आज के जो वकला है आजकल के वकला उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस ये पैगाम है कि रूल ऑफ लॉ के लिए आपको खड़े होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी के लिए काम करना चाहिए। तो बस यही मेरा पैगाम है कि आप सुपरमेसी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन की उसके लिए आप कोशिश करें। तो जो आजकल हमारे जो काफ़ी जो है वो दीनदार तबके के जो लोग हैं वो इस्लामी कानून नाफज करना चाहते हैं कि हाँ जी हमारा जो बिल्कुल सही है आपको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये इस्लाम की बेस पे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इस्लामिक बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। सही। वो उसमें कोई इस्लाम को उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं कोई भी जो इस्लाम से मुनाफी हो। सही। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट हो कम्प्लीटली तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कम्प्लीटली इस्लाम की बेस पे ही है। तो ये लोगों में गलतफहमी है कि ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इस्लाम बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें जो हमारा जो है ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसमें बकायदा ये बात लिखी गई है कि इस्लाम जो है ना वो वही हमारा जो है ना वो हमारा बेस्ड होगा, इस्लाम की बेस पे ही सारा कुछ होगा। मुल्क भी इस्लाम की बुनियाद हाँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आप देखें ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए ये कहना कि ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये बात गलत है। ये चंद अनासर होते हैं जो मिसाल के तौर पर अवाम को वो मंथी प्रोपेगंडा करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन इसमें इस्लामिक प्रोविजन जो है इस्लामिक इंजंक्शन जो है वो सारी चीज़ें प्रोटेक्शन उनको ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई। इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल है, फेडरल चीफ कोर्ट है। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने कम्प्लीट जो है वो हर लिहाज से जो है ना वो हमारी जो इस्लामिक इंजंक्शन है उनको उसमें धोया हुआ है। सर अगर किसी बंदे के साथ कोई ज्यादती हो जाती है मिसाल के तौर पर कोई झूठा मुकदमा बन जाता है मिसाल के तौर पर मैं जा रहा हूँ तो मुझे कोई मिसाल मेरे दुश्मन है मेरे मुखालफीन है वो मेरे ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जिस बंदे ने हमारे साथ जो है ये फ्रॉड किया तो वो मुकदमा ऐसे मुकदमा को आप कैसे देखते हैं? ये इसमें आपको अपना मुकदमा जो है वो बिल्कुल अगर आपको फोरफ्रंट पूरा खुल के आप अपना मुकदमा लड़ें आप अपना अपनी जो है वो अपनी जो बेगुनाही है उसको साबित करें। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कोई भी कोई भी झूठा जो है वो इल्ज़ाम जो है उसको लगा के तो आपके जो है वो कर लें। उसी के बाद हमारे जो